दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में डेंगू के मामले में अचानक बढ़ोतरी हुई है, क्या है इसकी वजह? इस मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ आईएमए के फाइनेंस सेक्रेटरी और जाने माने चिकित्सक डॉक्टर अनिल गोयल साहब हैं। सर, डेंगू के मामले में जिस तरह से अचानक बढ़ोतरी हुई है, क्या वजह है इसकी? नहीं, अचानक नहीं है, हर साल दो बार होता है, सीजनल है ये। एक बार होता है सितंबर अक्टूबर में, एक बार होता है मार्च अप्रैल में, कोई नई बात नहीं है। हाँ, हर बार हमें ये देखना होता है कि बहुत ज्यादा सीरियस बीमारी ना हो, हर बार हमें ये देखना होता है कि लोगों को एडमिशन्स की बहुत जरूरत ना हो, हर बार हमें ये देखना होता है कि मॉर्टेलिटी या मौत के आंकड़े ना बढ़ जाए। इस बार ये जरूर अच्छा है, केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन डिजीज माइल्ड है, बहुत ज्यादा सीरियस डिजीज नहीं है, बहुत ज्यादा प्लेटलेट्स की जरूरत नहीं पड़ रही, बहुत ज्यादा हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ रही, 20-30% में सिर्फ हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत पड़ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कहना, चूंकि सर आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में भी बहुत जिम्मेदार महत्वपूर्ण पद पे हैं, तो चूंकि सर आप लोगों के पास अन्य राज्यों से भी रिपोर्ट्स आती होंगी, तो वहां भी सर इसी तरह के सिम्टम दिख रहे हैं जो आप यहां बता रहे हैं कि माइल्ड डिजीज हो रही है? ऑल ओवर द कंट्री माइल्ड डिजीज हो रही है, जिसमें प्लेटलेट्स कम नहीं हो रहे हैं, या कम हो रहे हैं तो 50,000 से कम नहीं हो रहे हैं, जिसमें प्लेटलेट्स के ट्रांसफ्यूजन की सोचा जा सकता है, ट्रांसफ्यूज किया जाए। सिर्फ ये हो रहा है कि हेडेक हो गया, बॉडी एक हो गया, फीवर हो गया, नहीं उतर रहा है, और हाइड्रेशन अगर ठीक है और अगर आदमी खाना पीना ठीक खा पा रहा है, पानी खूब पी पा रहा है, तो वो घर पर ही इलाज करा सकता है। लेकिन सिर्फ एक इसमें कैवियट है कि वो डॉक्टर से परामर्श करके ही दवाई ले। बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या कोविड-19 से भी इस कुछ जुड़ाव या लगाव या कुछ इस तरह के सिम्टम जिन मरीजों को पहले कोविड हो चुका है, क्या उन मरीजों में कुछ ज्यादा दिख रहा है, कुछ उससे कनेक्शन है क्या ये बढ़ते हुए मामले और कोविड-19? थ्योरेटिकली कोविड-19 भी जो पुअर इम्यूनिटी है उनमें ज्यादा होता है, डेंगू भी जिनमें इम्यूनिटी कम होगी ज्यादा होगा, इसलिए जिनमें कोविड-19 है और इम्यूनिटी भी अभी तक कम है, खासतौर से डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं या हार्ट डिजीज वाले हैं, उनमें निश्चित रूप से डेंगू की चांसेस बढ़ सकते हैं जिनको पहले कोविड हुआ है, इम्यूनिटी कम है। हाँ, इस पर और रिसर्च और एनालिसिस की आवश्यकता है। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं सर क्या कि जो कोविड-19 के जो पहले पेशेंट रहे उनमें ज्यादा देखने को, कुछ ऐसी रिसर्च या रिपोर्ट कहीं से? अभी रिसर्च और पेपर तो मैं नहीं समझता कोई आए हैं क्योंकि यह तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन हाँ मैंने जैसे कहा कि ये संभावना जरूर है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, किस तरह की सावधानी बरती जाए ताकि ऐसे मामलों को जो है कंट्रोल किया जाए, नियंत्रण किया जाए? नहीं, एक तो सबसे पहले तो जितना भी आप अपने घरों में हैं वो मच्छर ना पनपने दें। हमने देखा कई बार जो कंस्ट्रक्शन साइट है या घरों के ऊपर टायर पड़े हैं, नीचे बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, उनमें पानी इकट्ठा होता रहता है, पानी नहीं इकट्ठा होने दें, लार्वा ना पनपने दें। और बहुत आसान सा है, जहाँ आपको पानी कहीं इकट्ठा होना है, जैसे कूलर कई लोग रखते हैं, तो उसमें अगर कुछ भी नहीं तो मिट्टी का तेल या डीजल डाल दें, नहीं तो MCD टेमीफॉस देती है ग्रेन्यूल्स, वो डाल दें तो 15 दिन तक उसमें लार्वा नहीं पनप सकता। एक तो ये है कि इसकी ब्रीडिंग रोकना, और ये सुबह और शाम ज़्यादा पाए जाते हैं। दूसरा ये है कि जहाँ ज़्यादा मच्छर है वहाँ MCD वहाँ फॉगिंग भी कराती है, मच्छर मारने की दवाई भी छिड़कवाती है, खासतौर से सुबह शाम, तो उसको कोऑर्डिनेट करें। और तीसरा, अपने घर के अंदर वहाँ देखें कि कोई मच्छर नहीं हो, उसकी दवाई छिड़कें, और अपना बचाव करने के लिए खासतौर से बच्चों का, बुजुर्गों का, पूरी बाहें के कपड़े आप पहनिए, नहीं तो मच्छर जो होता है खासतौर से सुबह और शाम में वो ज़्यादा काटता है। और बाकी तो जो अपनी नॉर्मल दवाइयाँ हैं, मच्छरदानी यूज़ कर रहे हैं, उनकी प्रिवेंशन का वो करें। तीसरा सबसे बढ़िया, कोई भी बुखार है, सर दर्द है, बॉडी एक है, तो तुरंत डॉक्टर का परामर्श लें, मतलब बगैर डॉक्टर से परामर्श लिए मेडिसिन ऐसे अपने आप ना लें, पता चले एस्पिरिन ले लिया आपको ब्लीडिंग हो गई, नहीं लें, डॉक्टर से परामर्श लें, वो बताएंगे आपको कि घर पे ही कर सकते हैं, क्या इलाज चाहिए, हॉस्पिटल की जरूरत तो नहीं है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनिल गोयल, और इनका साफ तौर से कहना है कि अगर इस मौसम में अगर आपकी तबीयत थोड़ी भी खराब लगती है तो डॉक्टर से जरूर परामर्श लें, बगैर डॉक्टर से परामर्श लिए हुए दवा ना लें। ब्रजेश नदीम के साथ सुमंत कुमार।